आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छतरपुर शहर के वार्ड क्रमांक 5 डिपो कॉलोनी और वार्ड क्रमांक 22 नरसिंहगढ़पुरवा के लोगों को इस भीषण गर्मी में अमृत जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि विगत 4 वर्ष पूर्व अमृत जल परियोजना के तहत शहर के सभी वार्डों में नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाई गई थी और लोगों के नल कनेक्शन भी किए गए थे। इस सब के बावजूद भीषण गर्मी में भी पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रहा, जिससे वार्डवासी आमजन बेहद परेशान है। छतरपुर नगर पालिका लगातार शहर में अमृत जल योजना से घर घर पानी पहुंचाने के दावे करती आई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। आज भी शहर के कई वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है। आरटीओ ऑफिस के पीछे वार्ड नंबर 5 में 2 हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन 1 हैंडपंप की हालत खराब है और बंद पड़ा है। दूसरा हैंडपंप बूंद बूंद पानी टपका रहा है, जिससे वार्डवासियों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। वहीं नगर पालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया वार्डवासियों को लगातार आश्वासन देते आ रहे हैं कि जल्द ही पानी की समस्या का हल निकाला जाएगा, लेकिन 4 साल पहले डाली गई अमृत जल योजना की लाइन 2 महीने में सिर्फ 10 बार ही पानी आया। महिलाओं ने बताया कि कई बार नगर पालिका में शिकायत भी की है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला और ना ही अब तक इस समस्या का हल किया गया। वही नगर पालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने शीघ्र ही खराब पड़े हैंडपंपों को दुरुस्त कराने और नल जल योजना की लाइन को दुरुस्त कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही है। कुल मिलाकर अभी भी शहर के कई वार्डों में पेयजल की भीषण समस्या बनी हुई है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट। कहाँ की हूँ आप? यही छतरपुर की। क्या समस्या है आपको? कौन सा वार्ड है? ये है वार्ड नंबर 5 है। पानी की समस्या सर, पानी नहीं आता, परेशान है सर। 2 महीने हो गए सप्लाई चालू हुई इस मोहल्ले में। 2 महीने से 2-4 बार पानी आया होगा, नहीं तो नहीं आता। शिकायत दर्ज की कई बार, 181 लगाए नगर पालिका, हर जगह गए हम लोग, रोड भी जाम किया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए परेशान है हम लोग पानी के। क्या यहाँ पे नगर पालिका में आप लोगों ने शिकायत की, विधायक जी से शिकायत की? जी हाँ, कलेक्टर के पास भी फोन लगाया, जो उन्होंने नंबर बांटे हुए हैं उनके वहाँ भी फोन लगाया, हर जगह कोशिश कर ली, कोई समस्या का हल नहीं होता। परेशानी है, पानी है, नगर पालिका पहुंची है आप शिकायत करने? हाँ सर, गए हैं हम लोग। हाँ, विधायक जी के यहाँ पे वो टैंकर वगैरह भी चलवा रहे हैं। टैंकर वगैरह की भी की है, टैंकर आती है, लड़ाई होती है, लड़ाई दंगा होता है, इसलिए पानी टैंकर नहीं आता। एक दिन आता है फिर नहीं, बंद कर देती है टैंकर आना। नल पे हैडपम्प है, एक हैडपम्प, उसमें भी पानी कम आता है, उसमें भी लड़ाई दंगा रोज होती है। क्या करें सर, परेशान है। हम ये चाहते सरकार जो सुविधा दी है तो उसका हम लोगों को भी परेशान ना हो, लाभ मिलना चाहिए। पानी सरकार ने लाइन डाली तो पानी भी आना चाहिए उसमें। कब से लाइन डाली हुई है? लाइन डाली तो हो गए 3 साल सर। पानी आया है कभी पहले? नहीं, कभी आया पानी नहीं सर, अभी आया 2 महीने से। 2 महीने से 10 दिन पानी आया होगा, बहुत से बहुत। इसके अलावा जब से गर्मी तेज पड़ने लगी नहीं आया, किसी के घर में आता, किसी के यहाँ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। जब आजकल जैसे गर्मी का दौर चल रहा है, वाटर लेवल काफी नीचे जा रहा है, इसी प्रकार देखने में आया वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 22 नरसिंहगढ़पुरवा में कई जगह सप्लाई चालू नहीं हुई है और हैंडपम्प भी खराब पड़े हैं, तो क्या प्रयास किए जाएंगे लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके? जहाँ जहाँ से हम लोगों की जानकारी आ रही है, मिल रही है, वहाँ पे हम लोग टीम भेज करके पेयजल की लाइनों को जुड़वा भी रहे हैं और पानी की सप्लाई हवाई गति से सुनिश्चित भी कर रहे हैं। इसके अलावा हैंडपम्प के जो पॉइंट आपने बताए हैं उनमें आज ही सुधार करा।